life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Hi friends. मैं हूँ दिव्या. मैं विकास. और हम हैं बेफिक्रे. और अब हम लोग देखने जा रहे हैं माउंटेन पे मड वेल्केनो देखने जा रहे हैं. और टूरिस्ट स्पॉट्स. सो और अभी आप देख रहे होंगे कि मेरा कैमरा बहुत हिल रहा है बिकॉज यहाँ की जो रोड है बहुत ही खतरनाक है. इसीलिए हम लोगों ने हायर की है 4x4 कार विच इज अ लाडा मेड इन रशिया. और उसके अंदर से वीडियो बना रहे हैं आपको. और इसमें आपको दिखाते हैं कि कितने खतरनाक रास्तों से हम वहां पर पहुंचते हैं. इट विल बी अ अमेजिंग एंड एडवेंचरस एक्सपो. बहुत ही मजा आ रहा है गाड़ी में और काफी मस्ती होने वाली है. सो आगे जैसी वीडियो चलती रहेगी मैं आपको इसके बारे में बताता रास्ते में जो हम लोग जा रहे हैं माउंटेन देखने के लिए वॉल्केनिक माउंटेन मड वॉल्केन. अभी क्या हुआ है कि रास्ते में बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है. और इतना खतरनाक हुआ है कि रोड ब्लॉक हो गई है. पूरी आग वाग लग चुकी है. तो अब हम लोग एक ऑल्टरनेट रोड से जा रहे हैं जो गांव से निकल के जा रहा है. तो दैट्स व्हाई अब आपको समझ आया कि मैं ऐसी कंट्रीज में सेल्फ ड्राइव कार क्यों नहीं लेता. तो अगर आप एक प्रॉपर वेल ट्रेन नो ड्राइवर लेते हैं उसका बेनिफिट ये होता है कि ही नोज अ लोकल लैंग्वेज. ही कैन टेक अ ऑर्डिनेटिव वेज जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा पाए. सो ये भी एक नहीं सीखने का पॉइंट है. सो मुझे लगा कि इस टाइम पे जो हमारा एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते चले जिससे कि आपको भी जब भी आप प्लान करें तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखें कि ये जब हमारे साथ हुई है तो आपके साथ भी हो सकती है. आ रहे हैं वॉल्केनो मड्स देखने के लिए. और अभी हमें लोगों को अपनी जो नॉर्मल कार थी विच इज दिस नो दिस वन या इसको हम लोगों को पार्क करना पड़ेगा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू द 4x4. दिस इज अ लाडा 4x4. अब हम लोग इस पे जाएंगे बिकॉज आई का रास्ता जो होने वाला है वो 4x4 का होने वाला है और हमारे पास 4x4 कार नहीं है. इसलिए अब हम इस गाड़ी में आगे का सफर पूरा करेंगे. किसी रशियन गाड़ी में बैठने का मौका मिला. दिस इज अ लाडा एंड इस तरीके सी गाड़ी होती है रशियन गाड़ी. और हमारे पास इस गाड़ी के अंदर बैठ के वी विल गोइंग टू गो टू दिस हिली प्लेस जहाँ पर हम लोगों को मड वॉल्केनो का एक्सपीरियंस. हमारे न्यू ड्राइवर और ये हमारे फ्रेंड हमें लेके जा रहे हैं इस जर्नी पे. में तो डूम डैश बहुत करी होगी जब गाड़ी जब सैंडस्टॉर्म पे डूब करती है. हमने भी करी थी. और ये यहाँ की डूम डैश है जहाँ पर आपकी गाड़ी धूम धुआन करते हुए जाएगी कच्चे पक्के रास्ते में फुल स्पीड जाएगी पूरे जल लगते हुए ऊपर करते हुए. तो बहुत ही मजा आ रहा है गाइस. और गाड़ी की स्पीड अच्छी है. लाइक ये इस घटिया रास्ते पे भी टूटे फूटे रास्ते पे भी 60-70 की स्पीड चला रहे हैं एंड दे आर रियली एक्सपर्ट. और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके के रास्ते हैं और इस तरह के में ये गाड़ी को उड़ा रहा है भाई लिटरली. ये देखिए मुझे तो लग रहा है हिमालय रैली का ये चैंपियन है. ये देखिए ओए होए. सो इस तरीके के रास्ते हैं इसीलिए हम लोगों ने अपनी प्यारी टोयोटा को खड़े कर दिया और हमने सोचा लाडा में जाए जिससे कि इस रोड का परफेक्ट मजा ले पाए. कच्चा रोड है पूरा कच्चा. बारिश के टाइम पे यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो टुडे इज अ गुड वेदर तो रोड साफ सुथरा है जिससे कि हम आराम से इस रोड पे मस्ती से जा सकते हैं. फ्रॉम द कार इस तरीके के माउंटेन है यहाँ पर जो बहुत ही अच्छा व्यू देते हैं. गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर व्यू मिलेगा गाड़ी के अंदर पर गाड़ी की राइड थोड़ी बम्पी है तो यू नीड टू मैनेज इट. बट एक खूबसूरत व्यू आपको इस एरिया का आपको मिलेगा. और ये एरिया गुरबस्तान जो हम लोगों ने करा था उसके काफी पास है. इस तरह की खड़ी चढ़ाई के लिए भैया ये गाड़ी ली गई है. एकदम खड़ी खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम लोग. ये देखिए मस्त इस तरीके की
बिना रोड की, रोड पे चलने वाली गाड़ियां हैं। आपको ये वीडियोस डिटेल में किसी ने नहीं बताई होगी, हमने भी काफी वीडियोस देखी यहाँ तक की, बट इस तरीके की डिटेल वीडियो किसी ने नहीं बनाई। बट ये जो वीडियो है, हम क्योंकि जो हम लोग करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक छोटे से छोटे डिटेल्स को आपको बताया जाए, बिकॉज जब आप पर्सनल एक्सपीरियंस, जब आप लोग वहाँ पर जाए ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, यू नो ऑन हैंड कि भाई बेफिक्र नहीं है कि ऐसा, तो हम भी यही करके वहाँ पहुँच जाएंगे, इस टाइप का एक्सपीरियंस लेके आते हैं हम लोग। तो इसीलिए यार वी आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई अगर आप दूसरे की वीडियो देखें और हमारी वीडियो देखें तो आपको काफ़ी डिफरेंस पता चलेगा। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं इस एरिया पे, यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है, तो हम भी अपनी गाड़ी अपनी पार्क करके इस जो ये मड वॉल्केनो है इसको एक्सप्लोर करते हैं। एडवेंचरस ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं वोल्केनोस को देखने के लिए और हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये जो मड वोल्केनो है दुनिया में दो ही जगह देखने को आपको मिलते हैं, एक अमेरिका में और एक दूसरा अज़रबैजान में, बिल्कुल तो दोनों ही ए से हैं और अमेजिंग जगह है, अमेजिंग फैक्ट। सो अगर आप आते हैं तो इस तरीके की अमेजिंग जगह आप भूले ना, और यहाँ पे डेफिनेटली मस्ट विजिट करें। वोल्केनो जिसके पीछे से जो मड की जलने की नो बाहर निकलने की आवाज़ आ रही है, देखिए आप सुन सकते होंगे बबल्स की आवाज़ आ रही है। सो मैं आपको कैमरा इस तरफ करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके की है, ये देखिए इसमें से आवाज़ आ रही है गुड़ 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 करके, और एक टाइम पे ये बाहर निकलेगा, तो ये जब पूरा इसके अंदर समझ लीजिए गैस पूरी बन जाएगी, देन इट विल कम आउट। ये देखिए थोड़ा सा अभी आया था, ये देखिए देखिए उस तरफ से आना शुरू हो गया है, सो उस तरफ से निकला है। तो मैं दूसरे वोल्केनो पे जहाँ पर ये निकल रहा है वहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से निकल रहा है, इस तरीके से निकल के इस तरीके से फ्लो करता है। You can see the fire, because this is coming out with the gas, methane gas, और वो काफी जलनशील होती है, तो जैसे इन्होंने लाइटर से जला के दिखाया, yes, और ये very good, और small tool, big tool, और ये जो मड जो इसमें से निकल रही है, तो ये ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्टर्स है, और ये मड फेस पे भी लगाई जाती है, और ये एक कॉस्मेटिक की तरह आपके फेस को गोरा करने के लिए और सारी रेमेडीज करने के लिए मदद करती है। और मीथेन गैस बार बार बबल की तरह ऊपर आ रही है, और ये आग ला के हमें यहाँ पर दिखाया गया है। मड वोल्केनो है, अभी आप देखेंगे इसमें से बबल्स बनते हुए, आई कैन शो इट टू यू दिस टाइप ऑफ द बबल्स। और ये मीथेन गैस जब नीचे से निकलती है तो इस टाइप के बबल्स बनते हैं, और जब जब ज़्यादा बबल बनेंगे तो ये देखिए एक चैनल सी बनी हुई है, इस चैनल से फ्लो करेगा, ये देखिए बबल, इस टाइप के नो स्मॉल बबल्स बनते हैं, इसको बोला जाता है मड वोल्केनो, बिकॉज नीचे जो है मीथेन गैस है वो ऊपर आने की, एस्केप करने की अपनी कोशिश कर रही है, उसके कारण से ये बबल्स बन रहे हैं। और पहले आग लगा के दिखाया गया कि किस तरीके से मीथेन गैस यहाँ से निकल रही है, उसका प्रूफ दिया गया, और बहुत ही अमेजिंग जगह है, पहले भी बताया गया दुनिया में दो ही जगह है इस टाइप के आप मड्स वोल्केनो देख सकते हैं, जिसमें से एक जगह पर हम लोग हैं। एंड ये जो आने का जो हमें मुबारक मौका मिला, ये मिला हमें ट्रैवल ऑन की तरफ से, तो डेफिनेटली आप ट्रैवल ऑन को तंग कीजिए फ़ोन कर करके, बिकॉज उनके पास बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है, और सस्ते से सस्ते और बढ़िया से बढ़िया पैकेज आपको मिल सकते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया, अगर उनसे सस्ता कोई पैकेज मिले तो डेफिनेटली वो पैकेज की डिटेल लेके आप ट्रैवल ऑन के पास जाए, तो ट्रैवल ऑन अपने रेट कम करेंगे और आपको उसी कीमत पे वो पैकेज देंगे। बड़े वाले वोल्केनो देखने, बिल्कुल बड़े वाले वोल्केनो देखने, बिकॉज हमारे गाइड ने हमें बोला कि अब मैं आपको बड़ा वाला वोल्केनो दिखाता हूँ, तो अब हम चलते हैं बड़े वाले वोल्केनो देखने। बट पैरों का ध्यान रखना है हम लोगों को, बिकॉज ये काफ़ी मडी और स्लिपी एरिया है, तो जब भी आप जूते पहनने आए तो ट्रैकिंग शूज पहन के आए, जिससे कि आपकी ग्रिप अच्छी रहे। माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू से समथिंग, यस टेल मी। इन समर व्हेन टूरिस्ट्स हैव swim there, after swim in water. Oh wow! So it's like in summer, जो गर्मियों के दिन में लोग इसके अंदर पहले स्विम लेते हैं, मड बात लेते हैं, पूरी बॉडी पे मड लगाते हैं, बिकॉज
ये मड में काफी सारे बेनिफिट्स हैं और इससे स्किन डिजीज और काफी सारी डिजीज दूर होती है। उसके बाद यहाँ पीछे एक पानी का लेक है, उसके अंदर जाके नहाते हैं। तो ये मेरे फ्रेंड बताना चाह रहे थे, और दिस टाइप की अमेजिंग फैक्ट्स और नॉलेजेबल चीजें मिलती है हमारे चैनल पे। लुक एट दिस, हाँ, थोड़े थोड़े टाइम पे ये बबल्स आपको दिख रहे आते हुए, ये देखिए दीस बबल्स। और मेरे फ्रेंड ने ये बताया कि जो ये मड है ये गर्म नहीं है, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर में हम लोग हाथ डाल सकते हैं और इस मड के अंदर, बट दिस मड माइट कंटेन अ मीथेन। मैं और ऊपर आते हुए आप लोगों को इसका प्रॉपर व्यू दिखाते हुए थोड़ा और पार। अब ये देखिए, ये देखिए, व्हाट अ व्यू। है ना, ये बबल्स बनते हुए, छोटे बबल्स और बड़े बबल्स इस तरीके के बनते हैं, काफी खूबसूरत लगते हुए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पॉट। और ये हमारी टैक्सी, ये है वाटर जिसपे आप लोग देख रहे हैं बुलबुले से बनते हुए। ये नीचे से जो गर्म पानी या फिर मीथेन है गर्म नीचे से निकल रही है, ये उसके कारण बन रही है। या लेट मी शो इट टू यू इन अ क्लोजर व्यू। देखिए दिस ऑयल, दिस ऑयल एंड दिस इज द ऑयल। ये ऑयल है, 20 मीटर तक ये डीप है। ये पॉन्ड में पहले वाले बड़े मड बाथ लेने के बाद यहाँ पे लोग नहाते हैं, जिससे कि उनकी जो स्किन है काफी शाइनी हो जाए और जो भी स्किन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स है जो हमें पता लग रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ये जो मड रिलेटेड एक्टिविटीज़ है ये काफ़ी बेहतरीन है और इस टाइप की चीज़ें दुनिया में काफ़ी कम है। सो ये अगर, लेकिन हमको आज ही पता चला कि ये जो मड वर्कनोस है वो सिर्फ दो जगह है, एक अमेरिका में और एक अजरबैजान में। बिल्कुल, दैट्स रियली गुड फैक्ट। यस, और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली आपको निराश नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको इतनी एडवेंचर एक्टिविटीज, गाड़ी से आने में आपको इतना मजा आएगा। और ये चीज जो ऐसी चीज है ये आपको कुवैत और मिडिल ईस्ट में कहीं नहीं मिलेगी। और मैं इंडियन व्यूअर्स से भी अपने कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप, अगर चीप यूरोपियन कंट्रीज आप घूमना चाहते हैं तो डेफिनेटली अजरबैजान इज द कंट्री, वन ऑफ द चॉइस। यस, जो यूरोप के अंदर आती है और जो आपके पॉकेट को ज्यादा ढीली नहीं करेगी, आप एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर अजरबैजान करके घूम सकते हैं। ड्रिंक्स करना चाहते हैं, अगर आप पार्टी जाना चाहते हैं, डिस्क जाना चाहते हैं, सब कुछ, मतलब जो चीज आपको दुबई में मिलती है वो चीजें मिल जाएगी, और दुबई से काफी सस्ते दामों पे और वो भी यूरोपियन टच के साथ। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई यूरोप कंट्री में जाना विद इन योर पॉकेट, अजरबैजान इज द प्लेस। यस, आप लोग यहां पर आके अजरबैजान को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो पीपल आर गोइंग रियली इंजॉय, बिकॉज आज का जो मौसम है वो काफ़ी खुला हुआ है। सो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर लोग आ सकते हैं और वॉल्केनो देख सकते हैं, और जितनी भी थर्मल एक्टिविटीज, बिकॉज ये जितनी भी जियो थर्मल एक्टिविटीज कहा जाती है इन चीज़ों को, बिकॉज धरती के अंदर गर्मी तो मौजूद है और उस गर्मी जब बाहर निकलती है उसको जियो थर्मल एक्टिविटीज़ कहा जाता है। सो ये वही चीज़ है जो इंडिया में भी पाई जाती है कई जगह जियो थर्मल एक्टिविटीज़, और यहाँ पे भी पाई जाती है, और पेट्रोल के साथ गैस भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली इस तरीके की। ये है 4x4 का मज़ा, इस तरीके की रोड पे वापस जा रहे हैं हम लोग। हमारा ये कहाँ का टूर ख़त्म हो गया, बट ये जो हमारी डूम डैश है ये अभी पूरी बरकरार है। सो इस टाइप के ज़बरदस्त एक्सपीरियंस के लिए यू मस्ट कम हियर, एंड पैकेज सही से बुक करें, समझदारी से बुक करें, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो घूमने में। ट्रैवल ऑन लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग ऑफर, मैच द प्राइस और द लोएस्ट प्राइस इस ऑफर का नाम रखा है, और ये ऑफर वैलिड है जनवरी तक। इसमें ये क्या होगा कि जो ट्रैवल ऑन का बोलना है कि जो उनके जो पैकेजेस है वो लोएस्ट पैकेजेस है पूरे कुवैत में, और अगर
आप कोई पैकेज देखते हैं किसी और टूर एंड ट्रैवल कंपनी का और इनसे मैच करते हैं और आपको लगता है कि जो किसी कंपनी ने जो पैकेज दिया है वो कम पैसे में है, तो डेफिनेटली इन्हें कॉल कीजिए ट्रैवल ऑन को, और या तो इनके ऑफिस विजिट कीजिए और 1-to-1 मैच कीजिए। ठीक है, अगर सारी सर्विसेज मैच हो रही होगी तो ट्रैवल ऑन अपना प्राइस कम कर देगा और आपको वही प्राइस में आपको ये पैकेज देगा। तो दिस इज अमेजिंग पैकेज फॉर अ जनवरी मंथ जो ट्रैवल ऑन ने शुरू की है, विच इज कॉल्ड मैच द प्राइस और द लोएस्ट प्राइस ऑफर फॉर अ जनवरी। सो इस टाइप का अमेजिंग जो ऑफर्स जो लेके आती रहती है सिर्फ ट्रैवल ऑन लेके आती रहती है, और कोई दूसरी जो ट्रैवल कंपनी में हिम्मत नहीं है इस तरीके की चीजें करने के लिए। सो ये एक ऐसी जगह है जहां